बिस्मिल्लाह रहमान रहीम Uh, welcome to lecture number 29 in the series of research tools and, te and techniques. We are on the data analysis portion, and uh, by now you would have realized uh, that uh, quantitative data analysis is how much important. Once you have made the hypothesis, you need to collect uh, the quantitative data so that you can prove your hypothesis. Last time, what we did was इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटस्टिक्स लास्ट टाइम वी है टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकस में हमने फ्रिक्वेंसी के बारे में आ, जाना था हर वेरिएबल का अलहदा अलहदा हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं डिस्क्रपटिव के अंदर डिस्क्रपटि में central, of central tendency भी included और मैस ऑफ डिस्पर्शन भी इंकलूडेड हैं मई ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने बात की थी एवरेजेस आपने कैलकुलेट करनी है यानी कि मीन देन मीडियन के बारे में हमने पढ़ा यानी के सेंट्रल फिगर या सेंट्रल वैल्यू और मोड के बारे में पढ़ा कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू सो दैट इज बेसिकली जो है हम हम देख सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारे डाटा की या हमारे वेरिएबल की किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है और सेंट्रल टेंडेंसी भी बाजत हमें कुछ Uh, किसी नतीजे पर पहुंचाती है कि औसतन uh, uh, जो है वो लोगों का इस वेरिएबल के मुताल क्या गुमान है अगर ऐज है तो औसत या एवरेज ऐज क्या है अगर जो है लोगों ने ज़्यादातर थ्री और फोर पे uh, टिक किया है तो जाहिर है कि एवरेज उसकी थ्री पॉइंट फाइव आएगी थ्री पॉइंट फाइव का मतलब है नीदर एगरी न डिसगरी और एगरी के दरमियान जो है वह लोगों की uh, जो है वह राय हमारे तक पहुँची है तो जिस किस्म का स्केल होगा इंटरवल स्केल होगा तो उसमें जो है हम लोग अपनी इंटरप्रटेशन करेंगे औसत की एवरेज की और अगर रेशियो स्केल होगा तो उसके अंदर आ, हमें ज़्यादा आसानी से हम इंटरप्रेट उसको कर सकते हैं मयस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने देखे दैन मयस ऑफ डिस्पर्शन देखे मयस ऑफ डिसपर्शन में हमने आ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कवर की और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जो है वो हमारे डेटा के फैलाव के मुतालिक बताती है हमारे ऑब्जर्वेशन के फैलाव के मुतालिक बताती है कि एवरेज से मीन से कितने कितने फासले के ऊपर है ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा ज़्यादा फैलावा है एवरेज से ज़्यादा दूर है उसकी रीडिंग्स और अगर कम स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब है कि एवरेज के करीब करीब ज़्यादातर रीडिंग्स फॉल कर रही है वेरियंस भी हमें यही चीज़ बताती है और रेंज हमें बताता है कहाँ से हमारे जो डाटा की ऑब्जर्वेशन है वो शुरू हो रही हैं और कहाँ पर जाके अख्ताम हो रहा है मिनिमम क्या है मैक्मम क्या है और लिहाजा इसमें ज्यादा बड़ा रेंज ज़्यादा वेरिएशन को शो करता है हमारी रीडिंग्स में और कम रेंज कम वेरिएशन को शो करता है ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी इसके अलावा हमने स्क्यूनस और कर्टोसिस भी देखी थी स्क्यूनेस का मतलब है कि मीन मीडियन और मोड क्या आ, जो है वो उनकी एक रकूम है या उसमें फ़र्क है और कर्टोसिस हमने देखा था कि जो है वो पीकेटनेस ऑफ द डाटा क्या जो है बहुत सारी जो आ, रीडिंग्स है वो एक ही जगह के ऊपर हैं या फिर जो है वो प्लेटो की सूरत के अंदर है ये चीज़ें हमने जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में देखी थी एक वेरिएबल का अनालिस लिहाजा हमने पढ़ा था आज हम लोग मैथड्स ऑफ बाई एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं मैथड्स ऑफ बाई एनालिसिस जैसे नाम से जाहिर है दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ और इस एनालिसिस की इन एनालिसिस की टेक्निक्स के साथ हम लोग अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ या रिजेक्ट कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली जो है वो डाटा गैदर किया हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हो हम हमारी जो कॉन्फिडेंस uh, लेवल है वो उसके अंदर uh, हमारी uh, जो टेस्ट वैल्यू है वो फॉल करे तो हम बहुत आसानी से अपने एच ए को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं मैथड्स ऑफ बाई वेरियट एनालिसिस किसी से मिलती जुलती एक और टेक्निक है मैथड्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस मल्टीवेरिएट का मतलब है बहुत सारे वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ काट एनालिसिस uh, से भी हम लोग जो है अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट uh, या रिजेक्ट कर, करते हैं इसी तरीके से अगर बहुत सारे वेरिएबल्स का मल्टीपल uh, वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस तो उसकी मदद से भी हम लोग हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं यूनिवेरिएट uh, एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव से मीन मीडियम मोड डेविएशन वेरियंट्स और uh, जो हमने रेंज पढ़ा था उससे ये चीज़ मुमकिन नहीं है बायवेरिएट एनालिसिस में चलते हुए हम लोग सबसे पहले कॉन्टिनजेंसी टेबल्स देखेंगे कॉन्टिनजेंसी टेबल्स क्या होते हैं किस तरीके से बनते हैं ये पहला बाईवेरियट एनालिसिस है जो कि हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह और फिर हम आगे काय स्क्र टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे काय स्क्र को एक्स स्क्वेयेयर से डिनोट किया जाता है इसको पढ़ा का स्क्वायर जाता है का स्क्वेयर टेस्ट है जो कि हम लोग देखेंगे और फिर हम पी एस एनस को रिलेशन की तरफ भी बढ़ेंगे ये तीनों मेथड्स जो हैं वो बाई एनालिसिस के हैं जो कि इन इस लेक्चर में कवर होंगे और उसके बाद मज़ीद जो एनालिसिस हैं वो हम लोग मज़ीद जो टेस्ट हैं वो फिर हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे वी आर ऑन स्टेप नंबर सेवन डाटा कलेक्शन हमने कर ली एनालिसिस हमने शुरू कर लिया और एनालिसिस में हमने जो पहला एनालिसिस था यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो हमने पढ़ ली तो डाटा एनालिसिस के पार्ट बी के ऊपर है यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर है गुडनेस ऑफ डाटा हम लोग पहले कवर कर चुके हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग क्रॉन बेकेल्फा के थ्रू और इसके अलावा फैक्टर एनालिसिस के थ्रू हम लोग मालूम कर सकते हैं सो so, ये तीनों एनालिसिस जो है वो इंटेग्रल पार्ट है डाटा एनालिसिस का किसी भी एनालिसिस को आपने नहीं छोड़ना है या कम कमतर नहीं करना है इवन आपने अगर हाइपोथेसिस बनाए हुए भी हुए हैं तो फिर भी आपने उसकी यूनिवेरिएट एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मीन मीडियम मोड जरूर आपने निकालनी है गुडनेस ऑफ डाटा भी आपने चेक करनी है रिलायबिलिटी और वेलिडिटी एनालिसिस के थ्रू और फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो करते हैं So, what is meant by bivariate analysis? In this statistical analysis, the two variables are analyzed at a time in order to understand whether or not they are related. The hypothesis are tested applying this technique. Or Multivariate analysis has statistical procedures that simultaneously analyze multiple measurements, three or more variables on each individual or object under study. It is the further extension of univariate and bivariate statistical procedures previously stated. So, you univariate analysis is basically descriptive analysis or yeah, descriptive statistics. Or bivariate Analysis 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 is is the the of of two variables variables at a time and multivariate three variables simultaneously. इसमें एक टर्म लिखी है कि हम जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल के देख रहे होते हैं फॉर example, एक ही इंडिविजुअल का मोटिवेशन लेवल और एक ही इंडिविजुअल की पे ठीक है अब हमारे पास जो है वो एस पी एस एस में कॉलम्स आ जाते हैं तो उन दो कॉलम्स को जो हमारा एस पी एस एस है या सॉफ्टवेयर है एक साथ एनालाइज करता है यानी कि दो रीडिंग्स को एक साथ अगर एनालाइज करेगा सॉफ्टवेयर तो वह बाईवेरिएट एनालिसिस कहलाएगा और अगर दो से ज्यादा यानी तीन या चार या इवन मोर पांच वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस करेगा सॉफ्टवेयर तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस एनालिस कहलाएगा एक ही इंडिविजुअल के दो वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस दैट इज बाई वेरिएट एनालिसिस और दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस और इसकी मदद से हमने देखा कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ बाई वेरिएट एनालिसिस की तरफ मैथड्स ऑफ बाई एनालिसिस में आपके सामने जो है वो एक टेबल नजर आ रहा है और इसके अंदर हम लोगों के पास आ, आ, पहली रो के अंदर भी स्केल्स मौजूद हैं और पहले कॉलम के अंदर भी स्केल्स मौजूद हैं पहले रो के अंदर जो स्केल्स मौजूद हैं वह है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और डाइकोटमस स्केल यहाँ पे जो है वो डाइकोटमस असल में नॉमिनल स्केल ही होता है मगर यहाँ पे हमने जो है वो इंटरवल रेशियो को एक साथ मिला लिया है और आगे हमने डाइकोटमस स्केल को अलहदा से लिख दिया है डाइकॉटमस जो है वो नॉमिनल uh, ही होता है uh, मगर इसके अंदर जो है वो स्टेटस्टिकल मैनिपोलेशंस मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं कुछ uh, जो टेस्ट हैं वो स्पेसिफिकली डाइकॉटोमस स्केल के ऊपर लगते हैं तो इस वजह से हमने नॉमिनल स्केल से इसको यहाँ पे अलहदा कर दिया है हमारी पहली रो uh, के अंदर जो है वो ये स्केल्स मौजूद है इसी तरीके से हमारे पहले कॉलम के अंदर भी यही स्केल्स मौजूद है नॉमिनल इंटरवल रेशियो और डाइकोटमस स्केल्स यानि के हम लोग जो है वो क्या मालूम करना चाह रहे हैं इस टेबल के साथ वी वॉन्ट टू नो कि अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया है अब हम बाई वेरिएट एनालिसिस पढ़े हैं यानि के अगर एक वेरिएबल हमने नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया है कलेक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन और दूसरा वेरिएबल भी हमने नामिनल स्केल पे कलेक्ट uh, किया है उसकी इंफॉर्मेशन तो हम हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं अगर जो दोनों वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमने नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमने नॉमिनल स्केल के ऊपर कैप्चर किया यानी कि फॉर एग्जांपल हम uh, हमने जो है वो ये uh, मालूम करना चाहा uh, कि जो uh, आप किस uh, Uh, शहर में रहते हो तो उसने टिक किया हमने चार पांच उसको ऑप्शंस थी लाहौर कराची रावलपिंडी तो दैट इज़ बेसिकली नॉमिनल स्केल और इसके अलावा जो है आप आप दिन में काम करना पसंद करते हो या रात में काम करना पसंद करते हो अगेन जो है हमने उसको ऑप्शंस दी या शाम में काम करना पसंद करते हो तो यहाँ पे जो है वो हम नॉमिनल स्केल लगा सकते हैं कि क्या इन दो चीज़ों के दरम्यान कोई एसोसिएशन है या नहीं है हम आगे चल के देखेंगे ये टेस्ट कौन कौन से लग सकते हैं इसमें यहाँ पे जो फिलहाल फिल वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके अंदर हम लोग अगर दो वेरिएबल्स आपने नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया है किए हैं तो हम कॉन्टिनजेंसी टेबल्स उनका बना सकते हैं कॉन्टिनजेंसी टेबल हम नॉमिनल स्केल पे हासिल शुदा वेरिएबल्स का बना सकते हैं इसी तरीके से हम इन दोनों वेरिएबल्स पे का लगा सकते हैं काय स्क्र जो है जो, ए, जो एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम नॉमिनल स्केल पे अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी गैदर uh, किया हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी तो हम का स्क्वेयर लगाएंगे और क्रैमर्स वी जो है एक और टेस्ट है uh, जो कि हम लोग अगेन काय स्क्वेयर के हम लोग नॉमिनल स्केल के ऊपर हासिल शुदा वेरिएबल पे लगाएंगे नॉमिनल स्केल की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी अब अगर एक वेरिएबल आपने नॉमिनल स्केल पे गैदर किया है और एक ऑर्डिनल पे किया है तो फिर हम लोग कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं इस टेबल में आपको मतलब ये भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि अगर एक वेरिएबल आपने नॉमिनल पे और द अदर यू आर कैप्चरिंग और गैदरिंग ऑफ ऑर्डिनल स्केल तो हम कौन से टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है कॉन्टेजेंसी टेबल का स्क्योर क्रेमर्स भी हम वही टेस्ट लगा सकते हैं जो हम नॉमिनल वेरिएबल के साथ लगा सकते थे आगे चलते हैं अगले सेक्शन uh, में नॉमिनल एक वेरिएबल आपने नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया है और एक इंटरवल या रेशियो स्केल पे किया है तो फिर हम कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं हम लोग कॉन्टेजेंसी टेबल्स बना सकते हैं काय स्क्वेयर लगा सकते हैं क्रैमर्स वी लगा सकते हैं और इफ द इंटरवल एंड और रेशियो वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन कंपेयर मीन्स और ईटा का टेस्ट भी लगा सकते हैं इसमें जो है एक अजाफी बात है अगर आपका आ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपने इंटरवल और रेशियो पे है और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉमिनल स्केल पे आपने कैप्चर किया है तो फिर हम कंपेयरिंग मीन्स और ईटा का जो टेस्ट है वो भी हम लोग लगा सकते हैं इंटरवल रेशियो पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कैप्चर किया है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल हमने नॉमिनल स्केल पे कैप्चर किया है तो हमारे पास सिर्फ फकत ये ही ऑप्शन है डायकोटोमस और नॉमिनल पे अगेन वही चीजें लगेंगी uh, जो कि पहले खाने में मौजूद है कॉन्टेडेंसी टेबल का स्क्वेयर और क्रैमर वी देन अगर दोनों हमने वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पे गैदर किए हैं अगर दोनों वेरिएबल्स का डाटा हमने ऐसे सवाल बनाए हमने जिन पे ऑर्डिनल स्केल लगा तो फिर हम स्पियरमैंस रैंक को रिलेशन हम लगाते हैं स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन ऑर्डिनल स्केल के से हासिलशुदा वेरिएबल्स के ऊपर लगाई जाती है दोनों वेरिएबल्स जो हैं आपने अगर ऑर्डिनल स्केल पे गैदर किए हैं तो फिर स्पियरमैंस रैंक को रिलेशन लगेगी आगे चलते हैं आगे है हमारे पास अगर दोनों वेरिएबल्स आपने इंटरवल और रेशियो स्केल पे कैप्चर किए हैं तो फिर हम पियर्सन को रिलेशन लगा सकते हैं हम पियर्सन को रिलेशन किस सूरत में लगा सकते हैं अगर हमने इंटरवल और रेशियो स्केल पे आ, जो है दोनों वेरिएबल्स बनाए हो, आ, ये चीज़ हम सिर्फ उसी वक्त लगा सकते हैं यानी कि पी कोरिलेशन को रिलेशन नहीं लगती है अगर ऑर्डिनल स्केल पे दोनों वेरिएबल्स हो या नॉमिनल स्केल पे दोनों वेरिएबल्स हमने कैप्चर किए हो या एक वेरिएबल हमने नॉमिनल स्केल पे गैदर किया हो और दूसरा इंटरवल और रेशियो स्केल पे आ, जो है वो गैदर किया हो तो फिर भी पी को रिलेशन का टेस्ट नहीं लगेगा ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम लोग जो है आ, हम लोग महदूद हो जाते हैं जब हम स्केल को तय करते हैं इसलिए आपने क्वेश्चन एयर के अंदर बहुत ही आ, जो है वो केयरफुली uh, आपने सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा स्केल लगाएंगे कौन से वेरिएबल को कैप्चर करने के लिए अगर हमने इंटरवल और रेशियो स्केल दोनों वेरिएबल्स यानि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैप्चर करने के लिए नहीं लगा पाए तो फिर हम प्लर्सेंस को नहीं लगा सकते हैं ये कुछ हदूद है ये कुछ uh, क्यूद हैं जिस uh, जो कि हमें uh, महदूद करती हैं जब हम अपने स्केल्स का इंतख्य कर लेते हैं जब हम लोग डेवलप uh, कर रहे होते हैं अपना क्वेश्चन या अपना सवाल नामा सो दैट इज बेसिकली इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर दोनों वेरिएबल्स को आपको कैप्चर किया आ, जाना जरूरी है कैप्चर होना जरूरी है अगर आपने जो है कोरिलेशन पियसन को रिलेशन लगानी है वरना ये नहीं हो सकती यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन भी लगा सकते हैं अगर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मालूम रहे हैं रिग्रेशन भी हम लोग लगा सकते हैं और उसके लिए भी इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर गैदर होने होना जरूरी है वेरिएबल का और फिर फाइव का टेस्ट जो है वो लगता है अगर दोनों वेरिएबल्स आपने डाइकोटोमस स्केल पे आ, जो है वो कैप्चर किए हैं तो डायकोटमस स्केल अगर आपने दोनों वेरिएबल्स कैप्चर किए हैं तो फिर फाइव का टेस्ट लगेगा ये टेबल हमें असल में आसानी फराहम करता है आगे हमारे टेस्टिंग के लिए आ, जो है वो आ, हमारे दरवाजे खोलता है जब तक हमें यही अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने अपने सवालनामे में कौन से स्केल्स का इस्तेमाल किया है हम लोग ये नहीं जान सकते कि हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस हमने टेस्ट लगाना है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए प्रूफ करने के लिए या डिस करने के लिए एच ए को प्रूफ करने के लिए या एच नॉट को तो फिर जो है हमें इन, इन, इन स्केल्स के बारे में इलम और जानना और इस टेबल का जानना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है तो आगे चलते हैं वन बाय वन हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस कॉन्टिनजेंसी टेबल्स जो है वो सबसे पहला बाईवेरिएट मोड ऑफ एनालिसिस है कॉन्टिनजेंसी टेबल को क्रॉस टैब्स या क्रॉस टेबुलेशन भी कहा जाता है कॉन्टिनजेंसी टेबल्स ऐसे टेबल्स हैं जिनको हम क्रॉस टैब्स भी कहते हैं और ये जो है दो इसकी मदद से हम लोग हाइपोथेसिस प्रूव या डिस प्रूव नहीं कर सकते मगर ये दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ होता है सो so, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल की ही अगली फॉर्म है मगर दो वेरिएबल्स का एक साथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके हमें जो सॉफ्टवेयर है या जो कंप्यूटर है वो हमें बताता है पिछली पिछले लेक्चर में वालिबा जो है वो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स थे एक जेंडर का था और दूसरा रीजंस फॉर विजिटिंग जिम का था दो वेरिएबल्स हमने लिए थे एक जिम के अंदर रिसर्च हो रही थी जहां पे नबे लोगों से जो है वो डाटा गैदरिंग हुई थी और वहां पे हमने रीजंस फॉर विजिटिंग जिम के ऊपर हुई थी और दो वेरिएबल्स हमने नॉमिनल स्केल के ऊपर कैप्चर किए थे एक रीजंस फॉर विजिटिंग जिम कॉन्टिजेंसी टेबल में हमारे पास सवाल क्या होगा आप लोग सोच सकते हो हमारे पास सवाल यह था कि वाई डू यू विजिट द जिम प्लीज टेक फॉलोइंग रीजन हमारे पास सवाल कुछ इस किस्म का था कि आप क्यों जिम जाते हो इनमें से इन चार ऑप्शन में से एक पे टिक करो नवे लोगों से हमने ये फिल करवाया नवे लोगों ने हमें फिल करके भेजा भेजा तो हमने हंड्रेड लोगों को था मगर दस का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया दो सौ लोग मुकम्मल हमारी पॉपुलेशन थी पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं तो यानी कि हम इन नवे का आ, हम जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं बाकी लोगों पे क्योंकि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है हमारे पास जवाब जो है कुछ ऐसे आए तीन रिलैक्सेशन के लिए जाते ऐसा इसमें जो है वो तीन छः कि नौ लोग जो है वो रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं अगर आप जो है वो मुआयना करो Uh, पिछले लेक्चर के अंदर स्लाइड का तो आपको पता चलेगा कि रिलैक्सेशन के लिए नौ लोग जाते हैं फिटनेस के लिए इकतीस uh, लोग जा रहे थे लूजिंग वेट करने के लिए थर्टी सेवन जा रहे थे और सत्रह लोग जो है वो बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए जा रहे थे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो uh, हमारा बना था रीजंस फॉर विजिटिंग जिम एक वेरिएबल क्योंकि एक वेरिएबल का एनालिसिस था एट ए टाइम तो इसका मतलब है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस था यूनिवेरिएट एनालिसिस एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव था अब हम बाई वेरिएट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ इसी तरीके से हमें पता चला था कि जो है वो मेल और फीमेल जो है उनकी कितनी तादाद है, इसकी भी हमने फ्रिक्वेंसी निकाली थी तो हमें पता चला था कि फोर्टी टू जो है वो मेल है और फोर्टी एट जो है वो फीमेल हैं ये गालबा हमने जो मेल और फीमेल पिछले लेक्चर में किया था वो आ, मुख्तलिफ था यहाँ पे जब इस सवाल नामे के अंदर भी एक सवाल था इसी तरीके का स्टेट योर जेंडर आगे दो ऑप्शनस थी मेल और फीमेल और वहाँ पे जो है वो फोर्टी टू हमें पता चला कि मेल्स ने हमारा सवालनामा फिल किया है और 48 हमारा जो है वो फीमेल्स ने सवालनामा फिल किया है तो यहाँ पे जो है दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ कॉन्टेटेंसी टेबल यानी मेल फीमेल रिलैक्सेशन फिटनेस लूज वेट और बिल्डिंग स्ट्रेंथ ये आ, इन चीजों का एक साथ एनालिसिस जब कंप्यूटर करके भेजेगा तो हमें पता चलेगा ऐसा टेबल बनेगा एक साइड पे आपका एक वेरिएबल आ, जो है वो मौजूद होगा दूसरी साइड पे यानी कि आपके टॉप रो के अंदर जो है वो एक और वेरिएबल मौजूद होगा यानी जेंडर का रोस रो के अंदर जो है जो नीचे हम देख रहे हैं वो आ, हमारे पास रीजंस फॉर विजिटिंग जिम एक वेरिएबल की हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं ये कैटेगरी आ, जो है हमारे पास स्केल था और आ, ये नॉमिनल स्केल था तो इसने जो दो वेरिएबल्स यानी जेंडर और रीजंस फॉर विजिटिंग जिम का एक साथ एनालिसिस करके कंप्यूटर ने हमें ग्राफ हमारे हमें टेबल बता दिया है इट्स अ टेबल और इसके अंदर जो है वो आ, हमें पहले ये मालूम नहीं था कि मेल और फीमेल और रीजंस फॉर विजिटिंग जिम में क्या क्या चीजें सेपरेट उनको करनी है क्या चीज़ें मुश्तरक हैं मेल और फीमेल का पहले इकट्ठा था आपको याद होगा रीजन फॉर विजिटिंग जिम के अंदर मेल और फीमेल का खट्टा एनालिसिस हुआ था यहाँ पे दोनों का एक साथ एनालिसिस हुआ है और हमें ये पता चला है कॉन्टेजेंसी टेबल के साथ के तीन मेल हजरात रिलैक्सेशन के लिए आते हैं और छह फीमेल जो है वो खातिन जो है वो रिलैक्सेशन के लिए आती हैं और यहाँ पे जो है कॉन्टेजेंसी टेबल में परसेंटेज भी मौजूद है और परसेंटेज हमें बता रही है कि सेवन मेल यानी कुल अगर जो है वो हंड्रेड परसेंट हम कहें कि मेल पॉपुलेशन है तो उसमें से सिर्फ सेवन परसेंट जो है वो रिलैक्सेशन के लिए आ रही है जबकि तेरह फीसद खातन रिलैक्सेशन के लिए आ रही है इसी तरीके से थर्टी सिक्स परसेंट मेल यानी पंद्रह आउट ऑफ फोर्टी टू जो है वो हमारे फिटनेस के लिए आ रहे हैं और थर्टी और 16 खात यानी 33% परसेंट जो है वो हमारी आ, फिटनेस के लिए आ रही हैं। सो so, यहाँ से हमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें मजीद पता चल रही हैं। रीजनस फॉर विजिटिंग जिम हम जेंडर का पहले हमने एक साथ देखा था अब हम अलीहदा अलीहदा देख रहे हैं मेल का अलहदा और फीमेल का अलहदा और और बात हमें पता चली है कि लूज वेट करने के लिए उन्नीस फीसद मर्द हज़रा जिम में आते हैं जबकि बावन फीसद जो फीमेल है ख़वान है परसेंट वो आ, लूज वेट करने के लिए आती हैं तो यहाँ पे ये वाज डिफरेंस है बिल्डिंग स्ट्रेंथ करने के लिए थर्टी एट परसेंट के करीब जो है वो आ, मर्द हज़रा आ रहे हैं जिम के अंदर जबकि सिर्फ दो फ़ीसद ख़वात जो है वो बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए आती हैं तो ये दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ हुआ है रीजनस फॉर विजिटिंग जिम के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस हमें वाज तौर पर नजर आ रहा है मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि जो ज्यादातर मर्द हजरात हैं, वो फिटनेस और बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए आते हैं जबकि ज्यादातर खातन लूज वेट करने के लिए आती हैं और ज्यादातर मर्द जो है वो फिटनेस और बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए आते हैं तो हम जो है अगर जो है जिम के अंदर सेपरेट टाइम्स हैं मेल और फीमेल का तो हम उसके मुताबिक अपने जिम को डिज़ाइन कर सकते हैं एडवाइस कर सकते हैं जो हमारे ट्रेनर्स होंगे उनको एडवाइस के लिए रख सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बहुत इम्पॉर्टेंट अहम और कीमती इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इन दो वेरिएबल्स के हवाले से जिसमें हम बहुत सारे अच्छे इकदाम अपने जिम के अंदर ले सकते हैं इन दो वेरिएबल्स का जब ने जब हमने इकट्ठा एनालिसिस किया तो हमारे सामने ये बातें जो है वो नज़र में आई हम लोग जो है Uh, आपने देखा कि ये दोनों हमने नॉमिनल स्केल के ऊपर गैदर किए थे तो इवन हमने नॉमिनल स्केल पे भी वेरिएबल्स अगर गैदर किए हैं फिर भी हमें कीमती मालूम मिल सकती हैं अपने वेरिएबल्स के मुतालिक और जो है हम लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं क्रॉस टेबुलेशन या कॉन्टिनजेंसी टेबल इज लाइक ए फ्रीक्वेंसी टेबल बट इट अलाउस टू वेरिएबल्स टू बी साइमल्टेनियसली एनलाइज सो दैट पैटर्न्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी सर्च बिटवीन दम हम लोग पैटर्न देख रहे हैं मेल का रीजन फॉर विजिटिंग जिम का पैटर्न और फीमेल का जो है वो रीजन फॉर विजिटिंग जिम का पैटर्न तो पैटर्न ऑफ एसोसिएशन कोई एसोसिएशन है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान तो ये चीज़ हम लोग कॉन्टिजेंसी टेबल बना के देख रहे हैं और यहाँ पे जो है वो मैं यही कहूँगा फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि मेल का जो रीजंस फॉर विजिटिंग जिम है वो हमें डिफरेंट uh, नज़र आ रहे हैं फीमेल्स के रीजंस फॉर विजिटिंग जिम के साथ हेयर इन दिसम्पल टू कैटेगरी तो हम हमारे सवाल नामे में जितने भी जितने भी हमारे नॉमिनल स्केल के वेरिएबल्स हैं हम उनके कॉन्टीजेंसी टेबल्स बहुत आसानी से बना सकते हैं और उनका अनालिसिस कर सकते हैं और पैटर्न ऑफ एसोसिएशन उनके अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं तो ये पहला हमारे पास जो है वो बाई वेरिएट मोड ऑफ एनालिसिस था कॉन्टेजेंसी टेबल दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ आपने ये भी देखा यहाँ से इसलिए भी मैंने शुरुआत की कि आपको पता चले कि किस तरीके से दो वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस होता है फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बहुत वो सबसे बेसिक यूनिवेरिएट एनालिसिस है उसके बाद जो सबसे बेसिक बाई वेरिएट एनालिसिस है वो कॉन्टेजेंसी टेबल का है दो वेरिएबल्स का एनालिसिस एक साथ और इसी को ही हम लोग कॉन्टेजेंसी टेबल को ही हम लोग आगे लेकर चलते हैं हम लोग जो है वो अब का स्क्वायर टेस्ट पढ़ने लगे हैं व्हाट इज मैं कास्ट जो है वो कॉन्टेजेंसी टेबल की ही मदद से हम लोग जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन लगा कर चेक करते हैं एसोसिएशन इट इज ऑफ एसोसिएशन जो, जो कि रिलेशनशिप नहीं बताता है क्योंकि हमने नॉमिनल स्केल के ऊपर डेटा गैदर किया होता है के टेस्ट को समझने के लिए हमारे पास अगेन दो हमने वेरिएबल बनाए आ, आ, हमारे पास दो वेरिएबल थे और उसको हम टेस्ट करना चाह रहे थे यानी कि हम हमारा क्वेश्चन नंबर वन था च शिफ्ट इन द फैक्ट्री यू बेसिकली वर्क विच इन विच शिफ्ट यू वर्क इन द फैक्ट्री एक फैक्ट्री है गार्मेंट्स बनाने की और वहां पर हमने ऐसा सवाल रखा और जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी uh, सैम्पलिंग के साथ हमने सैम्पलिंग uh, की और हम uh, जो है वो uh, हमारा जो कुल जो लोग थे जिनसे Uh, हमने uh, ये क्वेश्चन फिल करवाया उनकी तादाद 150 थी 150 लोगों से जो है वो ये क्वेश्चन फिल करवाया गया यहाँ पे का स्क्वेयर के अंदर टेबल्स ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज में ये चीज आप नोट कर सकते हो कि 150 लोगों से ये क्वेश्चन फिल करवाया गया पहला सवाल था विच शिफ्ट यू वर्क इन दिस फैक्ट्री और आगे जो है वो तीन ऑप्शन थी नॉमिनल कैटेगरी स्केल था तीन ऑप्शन थी पहला था मॉर्निंग शिफ्ट दूसरा था इवनिंग शिफ्ट और तीसरा था नाइट शिफ्ट तो ये चीजें हमें जो है वो पता चली आ, के आ, ये हमें पहले ही हमने फैक्ट्री में जाके अंदाजा लगा लिया होगा पूछ लिया होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यूज के कितनी शिफ्ट्स हैं लिहाजा उन्हीं शिफ्ट्स का काम हमने यहाँ पे जो है वो अ, अपने सवाल नामे में भी रखा अ, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन एयर के जरिए से पता चल रहा है कि 50 मॉर्निंग शिफ्ट वालों ने यह फिल किया क्वेश्चन एयर पचास इवनिंग शिफ्ट वालों ने और पचास नाइट शिफ्ट वालों ने Uh, हर एक शिफ्ट वालों ने अपनी अपनी शिफ्ट के ऊपर जो है वो टिक मार कर दिया वहां से हमें पता चला कि ये सवाल सवालनामा मॉर्निंग शिफ्ट वाले ने फिल किया है ये इवनिंग शिफ्ट वाले ने और ये नाइट शिफ्ट वाले ने तो हमारे पास 150 सवाल नामे आए और हमने जो है वो पहला वेरिएबल जो है वो उसका अनालिसिस हमने आ, उसको एंटर किया तो ये हमारे पास सूरत हाल सामने आई अब दूसरा सवाल था के जो है प्लीज मेंशन डू यू वॉच टेलीविज़न और डू डू यू हैव टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविज़न आगे येस और नो था तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों ने जो येस के ऊपर जो है वो टिक मार किया वो 45 फाइव थे पैंतालीस लोग मॉर्निंग शिफ्ट में जो है वो टेलीविज़न देखते थे और Uh, जिन्होंने नो के ऊपर टेक किया मॉर्निंग शिफ्ट वालों ने उनकी तादाद पांच थी इवनिंग शिफ्ट वालों में से 47 जो है वो टेलीविजन देखते थे और तीन जो है वो टेलीविजन नहीं देखते थे और नाइट शिफ्ट में 40 जो है वो टेलीविजन देखते थे और 10 टेलीविजन नहीं देख पाते थे हम लोग ये टेस्ट लगा के ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या एसोसिएशन बिटवीन द शिफ्ट ऑफ़ दी फैक्ट्री वर्कर एंड टेलीविजन वॉचिंग बिहेवियर हम लोग दो वेरिएबल्स में जो है वो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या नाइट असल में हम लोग के इस क्वेश्चन एयर के जरिए से ये ये भी मालूम करना चाह रहे थे कि नाइट शिफ्ट वालों को लेजर एक्टिविटीज़ का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है हम लोगों ने इस तरीके से लिहाजा सवालनामा बनाया इसमें दो वेरिएबल्स थे जाहिर है कि ये जो सवाल थे और वेरिएबल्स थे ये आपको पता चल गया होगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही आए थे इसके पीछे भी हमने जो है वो थोड़ी सी रिसर्च की थी हमने कहा कि इन दो वेरिएबल्स को हमने सवालनामे में रखना है इन, इनको टेस्ट करना है तो हमारे पास जो है वो ये रकूम आ गई कि जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों में से कितने लोग जो है वो वॉच करते हैं टेलीविजन और कितने नहीं करते इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट वालों में और नाइट शिफ्ट वालों में क्या आ, जो है हमारे पास आ, आ, स्कोर्स हैं 132 थर्टी टू कुल मिला के लोग थे 150 में से जो कि टेलीविजन वॉच कर पाते थे और 18 लोग थे जो कि टेलीविजन नहीं देख रहे थे 18 लोग ऐसे थे जो कि टेलीविजन नहीं देख रहे थे हम इन दोनों वेरिएबल्स में आ, शिफ्ट ऑफ द Um, worker and his. Uh, uh, वॉचिंग टेलीविजन बिहेवियर आया वो टेलीवि टेलीविजन देख सकता है नहीं नहीं देख पाता है सो दैट इज बेसिकली हम इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन कर रहे थे ये हमारी टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के नाम से एक टेबल बनाता है का स्पेयर टेस्ट हमारे पास टेबल ऑफ ऑब्जर्वड वैल्यूज कुछ इस अंदाज से हमारे पास बना आ गया दोनों वेरिएबल्स का सो so ये कॉन्टेंटेंसी टेबल का की ही अगली फॉर्म है मगर इसमें आप परसेंटेज देख रहे हो कि परसेंटेज मौजूद नहीं है सिंपली जो दो टेबल्स दो वेरिएबल्स के दरमियान चीज़ें ऑब्जर्व की कंप्यूटर ने तो वो यहाँ पे ला के जो है वो एनालाइज करके उसने बता दी अब टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ साथ का स्क्वेयर के अंदर टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी बनाया जाता है टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने का स्क्वेयर का फार्मूला है का स्क्वेयर का uh, फार्मूला आपने uh, जो है आपके सामने लिखा हुआ है और ये है ऑब्जर्वड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो ये क्योंकि हमने फार्मूला के अंदर से का स्क्वेयर की वैल्यू मालूम करनी है लिहाजा Uh, ये की वैल्यू जो है हम लोग इस फार्मूला के साथ मालूम करते हैं जिसमें ऑबज़र्व वैल्यूज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए लिहाजा उसके लिए जो है वो कंप्यूटर टेबल ऑफ ऑबज़र्व्ड वैल्यूज़ कंसल्ट करता है और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए और उसी टेबल की मदद से हम एक टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी बनाते हैं टेबल ऑफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है दैट uh, इज़ uh, जो हमारा कॉलम का जो एग्रीगेट uh, है या टोटल है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो के टोटल uh, से और डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी 150 से तो हमारे पास टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रहा है टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारा निकल रहा है जिसमें पहले आ, खाने के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट और डू वॉच टेलीविजन के साथ इस तरीके का से चवालीस लोग जो है वो निकले हैं और आ, जो है वो चवालीस इवनिंग शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में चवालीस और छः 6, 6 और छः डू नॉट वॉच टेलीविजन के अंदर निकले हैं यानी कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं अगर ऐसा होता तो फिर आ, जो है वो Uh, हम हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता कि देर इज नो एसोसिएशन साधों का जो है वो फिगर एक जितनी आती एक्सपेक्टेड ये था मगर जो है ऑब्जर्व हमारे पास हमने देखा कि उसके अंदर डिफरेंस है तो ये फिगर्स हम लोग जो है वो फार्मूला uh, में लगाएंगे और फार्मूला के अंदर जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का स्क्वेयर के अंदर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करना होता है यानि कि नंबर ऑफ़ रोज़ माइनस वन इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन डिग्री ऑफ़ फ्रीडम जो है वो मालूम किया जाता है क्योंकि हमें जो है वो ये जो टेस्टिंग है हमें पता होना चाहिए कि कितने बाय कितने का टेबल था और उस लिहाज से उस आ, के मुताबिक जो है वो काई स्क्र की वैल्यू या उसकी जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो बदलता है लिहाजा हमें पता चला कि यहाँ पे थ्री आ, जो है वो Uh, रोज थी और इसमें से हमने माइनस वन किया क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने मालूम करना है तो यहाँ पे हासिल आ गया टू और टू माइनस वन का भी जो uh, हासिल आ गया वो वन आ गया टू इंटू वन यानी कि टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी थ्री बाई टू का हमारे पास जो है वो टेबल uh, uh, था थ्री ऑप्शन थी हमारी uh, uh, एक वेरिएबल की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और दो ऑप्शंस थी हमारी Uh, जो है वो डिपेंडेंट uh, वेरिएबल की लिहाजा हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो कैलकुलेट हुए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो कैलकुलेट हुए अगर ज्यादा ऑप्शन होती तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा बढ़ जाते अगर ज्यादा ऑप्शन होती चार या पांच होती फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे पाँच रोज पाँच रोज होती हैं पाँच शिफ्ट होती तो हम कहते फाइव माइनस वन फोर और फोर इंटू वन दो हमारी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम आता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है काय के अंदर डिपेंड करती है कि आपने कितनी ऑप्शन रखी हैं अपने सवालों के अंदर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमने लगा दिया पॉइंट ज़ीरो फाइव और जो है हम हमने कहा एच ए के अंदर हम हमेशा ये बात करते हैं का अंदर दो नॉमिनल स्केट वन एन हमेशा के अंदर जो हैल जो है है, स्केल के वेरिएबल्स पे वो ऐसे होता है टू क्राइटेरिया यानी वॉचिंग टेलीविजन एंड शिफ्ट ऑफ दर एसोसिएटेड विद वन एन अदर और इसका नल हाइपोथसिस क्या बना द टू क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे पास जो है वो टेबल्स जनरेट होते हैं एक ऑब्जर्व वैल्यूज का एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज का और उसके ऊपर जो है वो फार्मूला लगता है लेट्स सी के क्या फार्मूला लगा है हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को एक लाइन uh, में पहले कॉलम में लिख लिया है और uh, इसके साथ साथ हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को अगले uh, कॉलम के अंदर लिख लिया है का स्क्वेयर का स्टेटिस्टिकल टेबल कुछ इस अंदाज से कुछ इस तरीके से बनता है कि पहला पहली वाली uh, पहले वाले कॉलम के अंदर तमाम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आती है और अगले कॉलम के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आती है फिर हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द का फार्मूला ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अगले अगले कॉलम के अंदर लिखनी है वो हमने जो है वो माइनस करते चले गए 45 फाइव माइनस फोर्टी आ गया फोर्टी सेवन माइनस फोर्टी फोर थ्री आ गया फोर्टी माइनस फोर्टी फोर माइनस फोर आ गया हत्या के जो है हमने आखिर तक जो है इसकी कैलकुलेशन कर ली फिर इसी का हमने स्क्वेयर ले लिया वन नाइन सिक्सटीन वन नाइन सिक्सटीन इस तरीके के जवाब आ गए माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री ये पॉजिटिव साइन हो गया माइनस फोर इंटू माइनस फोर भी पॉजिटिव साइन हो गया और फिर हमने इन रीडिंग्स को वन बाय वन एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी के हमारे पास क्या थी 44 से हमने uh, जो है डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय 44.2 16 डिवाइडेड बाय 44 2.66 और जो है वो 1 डिवाइडेड है वो वैल्यूज आ गई वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल square डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी तो हमने इन तमाम को जमा करना है हमारे हमने इन तमाम को जमा किया आ, जो भी हमारे पास जो है वो वैल्यूज आई थी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू वो हमने टू तो पॉइंट सिक्स सिक्स में वन पॉइंट फाइव में पॉइंट वन सिक्स इस तरीके से पूरी लाइन को हमने प्लस किया तो सेवन पॉइंट टू हमारे पास स्कोर आ गया ये सेवन पॉइंट टू इज योर का स्क्वेयर वैल्यू का, जो आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 7.2 है और हमें ये का स्टेटिस्टिकल टेबल से हासिल हुई अब अगर आ, जो है जो काय स्क्वेयर में प्री डिटर्मेंट जो है वो आ, उसके टेबल के अंदर मौजूद होती है वैल्यूज और हम लोग जो है इसको आ, अब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो हमारे पास हमने ये भी देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर दो था हमने पहले से आ, जो है वो कैलकुलेट किया हुआ था आ, रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन दैट वाज टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो फ्रॉम द टेबल ऑफ क्रिटिकल रीजन ऑफ काय स्क्वेयर हमने ये वैल्यू मालूम की कि वहाँ पे 0.05 जीरो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ अगर 0.05 जीरो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो और दो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो आ, जो है वो क्रिटिकल रीजन कहाँ पे बनता है तो क्रिटिकल रीजन बनता था 5.99 पे हमने टेबल को ऑब्जर्व किया वहाँ पे 5.99 पॉइंट नाइन नाइन वॉज दी क्रिटिकल रीजन यानी कि अगर 5.99 से बड़ी होगी रकम तो फिर तो फिर आपका एच ए एक्सेप्ट होगा यानी कि देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स तो ये जो हमने रकम निकाली 5.99 की ये थी हमारी का स्क्वेयर की वैल्यू फ्रॉम दी टेबल और हमारी कैलकुलेटेड का स्क्र की कैलकुलेटेड वैल्यू आई 7.2 और जब एज का स्क्र वैल्यू इज Greater than the calculated chi square value, yani 7.2 is greater than 5.99. Ye is acceptance region. Uh, May uh, fall. Kaada tha uske upar thi mari value to null hypothesis. Hamlikheng likhenge fail to get substantiated. The null hypothesis failed to get substantiated. The data provided statistical association between the variables of interest. The data provided. स्टेटिस्टिकलोशन बिटवीन दैल्यूज प्री फाइव पॉइंट नाइन नाइन ये पहले से जो है वो स्टेट ने कैलकुलेट करके रखी हुई है कि अगर इससे ऊपर गया तो फिर इनमें एसोसिएशन है तो ये चीज का स्क्वेयर टेस्ट इस तरीके से निकालता है जब भी आपका जवाब जो है वो टेबुलेट जो आपकी आ, आ, टे, टेबुलेटेड क्रिटिकल रीजन आ, से ऊपर आएगा काय स्क्वेयर के अंदर तो आपका कौन सा हाइपोथेसिस एच ए यानी के अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा वरना अगर इसकी वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.99 से कम आती तो हम लोग कहते हैं कि इन दो वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन नहीं है तो आपने देखा कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोग जो है ये मालूम कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन है या नहीं है यानी कि नाइट शिफ्ट वाले जो है वो सफर करते हैं वो इसका हम क्या इंटरप्रेट करेंगे नाइट शिफ्ट वाले सफ़र करते हैं वो लोग टेलीविजन नहीं देख पाते ज़्यादातर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले जो है वो टेलीविजन देख पाते हैं तो ये चीज हम कहेंगे देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द शिफ्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज टेलीविजन वॉचिंग बिहेवियर तो हमें यहां से प्रूफ हो गया दैट देयर इज ए देयर इज एन एसोसिएशन काई स्क्वायर टेस्ट हमने जो है वो कवर किया हमने कॉन्टिनजेंसी टेबल कवर किए काई स्क्वायर और कॉन्टिनजेंसी टेबल्स जो हैं uh, आपने देखा कि वो हासिलशुदा नॉमिल स्केल पे हासिलशुदा वेरिएबल्स के ऊपर बनते हैं लगाए जाते हैं अब अगर हमने जो है वो दो वेरिएबल्स कैप्चर किए हैं ऑन इंटरवल या रेशियो स्केल तो हम लोग कोरिलेशन भी लगा सकते हैं और वही चीज हम लोग आ, आज पढ़ने लगे हैं पियरसेंस कोरिलेशन और पियरसेंस कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स अगर आपने इंटरवल या रेशियो स्केल के ऊपर कैप्चर किए हों तो तब आप uh, इसको uh, इसको इस टेस्ट को लगा सकते हो यहाँ पे हम लोग हम लोगों ने हम जिम की एग्जाम्पल uh, को आगे uh, लेके चलते हैं हमने आपको याद होगा कि एज ऑफ द रिस्पोंडेंट हमने जो है वो एक वेरिएबल रेशियो स्केल के ऊपर कैप्चर किया था एज ऑफ रिस्पोंडेंट हमने रेशियो स्केल के ऊपर uh, किया था व्हाट इज यू मेंशन योर एज इन ईयर्स तो जो है बंदों ने मुखलिफ अपनी अपनी एजेस जो है वह फिल की और एक और क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद नहीं है एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ मच टाइम वेन यू लास्ट टाइम यू विजिट इंड द जिम हाउ मच टाइम फॉर हाउ मच टाइम यू यूज द कार्डियो वेस्कुलर इक्वमेंट कार्डियोवेस्कुलर इक्वमेंट वो इक्वमेंट होता है जैसे ट्रेडमिल हो गई जैसे जो है आपने इसके अलावा आप जो आ, स्किपिंग मशीन होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो तो कार्डियोल कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट होता है जिम्स में और जो है वो वेट्स होते हैं तो उन्होंने पूछा कि लास्ट टाइम जब आपने विजिट की जिम तो जो है वो आ, कितना टाइम आपने खर्च किया सर्व किया ऑन कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट किसी ने लिखा दस मिनट किसी ने लिखा चालीस मिनट किसी ने लिखा पचास मिनट मेरा ख्याल है जब हमने रेंज पढ़ा था तो तब हम लोग ये आ, आ, इसका डाटा हमारे पास मौजूद था लिहाजा ये चीज़ भी हमने रेशियो स्केल के ऊपर कैप्चर की ये चीज़ भी हमने रेशियो स्केल के ऊपर टाइम थी रेस्पॉन्डेंट एक्चुअली स्पेंड व्हेन ही वाज इन द जेम लास्ट टाइम ऑन दी कार्डियो वेस्कुलर इक्विपमेंट यह चीज़ भी हमने मालूम की थी और यह चीज़ भी मालूम की थी हाउ मच टाइम यू स्पेंट इन मिनट्स ऑन दंग मशीन्स तो ये दोनों चीजें हमने मालूम की थी यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन देख रहे हैं बिटवीन एज एंड यूज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट तो ऐज को हम लोग जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं यूज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट पे तो अगर जो है हमें हमारे पास आ, आ, सबसे पहला वाला ग्राफ आएगा यानी कि हमें एक लाइन नजर आएगी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल भी टाइम्स भी लोगों ने मेंशन किया कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगी पियर्स को रिलेशन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव उसकी फिगर होगी पॉइंट एट भी हो सकता है पॉइंट नाइन भी हो सकता है और अगर दोनों जो है वो बिल्कुल Uh, बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनके अंदर कोरिलेशन uh, है तो जो मैक्सिमम आपका आंसर हो सकता है वो प्लस वन भी हो सकता है तो ये पॉजिटिव के अंदर भी uh, इसका जवाब आता है और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव का भी जवाब आता है और uh, जो है वो अगर हमने नेगेटिव रिलेशनशिप मालूम करनी हो तो भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है गालिबन दरमियान वाली uh, जो फिगर है वो Uh, इसका रिजल्ट आया होगा कि शुरू में जो बच्चे होते हैं जो कम उम्र लोग होते हैं वो कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं यहाँ पे बाई एक्सिस पे यूज uh, ऑफ कार्डियो कार्डियोवेस्कुलर इन मिनट्स है एंड ऑन एक्स एक्सेस देर इज एज इन ईयरस है तो जो है वो गालिबा दरमियान वाली जो है वो हमारे पास uh, फिगर uh, आई होगी यानी कि हमें पता चला फ्रॉम दी डाटा एनालिसिस के जैसे, जैसे जैसे जो है वो एज uh, बढ़ रही है वैसे वैसे यूज़ ऑफ कार्डियोवेस्कुलर इक्विपमेंट कम होता चला जा रहा है तो इस केस में हमारे पास जो है वो uh, जो को रिलेशन निकलेगी वो माइनस में होगी यानी माइनस पॉइंट एट या माइनस पॉइंट नाइन और अगर परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप भी जो है वो माइनस वन जो uh, हो सकती है So that is basically the maximum height a uh, co coefficient uh, uh, can uh, um, occur. So coefficient will lie between minus one or zero ka matlab hai there is no relationship. Zero ka matlab hai there is no relationship. Uh, Koi jo hai wo 60 saal ke bhi, um, मर्द हैं वो भी जो है वो आके साठ मिनट कर रहे हैं जो एक पंद्रह साल का बच्चा है वो भी साठ मिनट जो है वो कार्डियोवेस्कुलर पे स्पेंड कर रहा है अगर ऐसा डाटा होता तो फिर हमारा को रिलेशन जीरो निकलता अगर जो है वो इन दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नहीं होता जैसे आखिरी ग्राफ आपको आ, राइट हैंड साइड के ऊपर शो हो रहा है तो वहां पे देर इज नो रिलेशनशिप हमारा जो कॉफिशेंट है कोरिलेशन का दैट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन और इसमें जीरो स्टैंड फॉर नो को रिलेशन एंड माइनस वन परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप और प्लस वन स्टैंड फॉर परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप इतनी परफेक्टनेस आमतौर पर नहीं आती आपका जवाब अगर पॉइंट एट और पॉइंट सेवन भी है तो हम लोग कह सकते हैं कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स तो जो है वो को, 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 को रिलेशन जो कॉफिशियंट है वो क्या कह रहा है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इसमें हमें जो को रिलेशन कॉफिशेंट है विच लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन और ये जीरो भी इसकी वैल्यू हो सकती है uh, it is a quantitative description of the magnitude and direction of the linear relationship between two variables so either hai मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और डायरेक्शन भी पता चल रही है क्या आ, जो है वो एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है जैसे पहले वाले केस के अंदर जो है अगर ऐसा जवाब आए तो हमें पता चल रहा है कि एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है दूसरे केस के अंदर हमें पता चल रहा है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कम होता है और आ, तीसरी केस के अंदर हमें पता चल रहा है नो रिलेशनशिप के अंदर के जो है एक वेरिएबल को कम या ज़्यादा करने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये कोरिलेशन है और ये हम आ, आ, ये लगाते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर हासिल शुदा वेरिएबल्स के ऊपर सो रो मैं जस्ट लाइक पियरस को रिलेशन विच इज़ यूज फॉर डाटा कलेक्ट कलेक्टेड ऑन इंटरवल एंड रेशियो स्केरिएबल वेयर एज रो इज़ यूज फॉर दर्डिनल स्केल वेरिएबल्स तो मैंस रैंक और रिलेशन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्डिनल स्केल के ऊपर जो है हासिल शुदा Uh, सवालत के जवाब के ऊपर आप लगा सकते हो पी एस को रिलेशन आपने यहाँ पे लिखा है कि इंटरवल और रेशियो के ऊपर ही सिर्फ लगानी है आपके पास एस पी एस एस में ऑप्शन आती है आप जो है वो दो वेरिएबल्स एंटर करते हो कि अब आपने पी एस को रिलेशन लगानी है को रिलेशन में जाके या इस्पी रैंक को रिलेशन लगानी है तो स्पीएस मैंस रैंक और या इस पीयर तो उस वक्त आप लगाओगे अगर आपने दोनों वेरिएबल्स ऑर्डिनल स्केल के ऊपर जो है वो कैप्चर किए होंगे और ऑर्डिनल और स्केल की ये खासियत थी कि दोनों वेरिएबल्स वेरिएबल्स के दरमियान जो ऑप्शन होती हैं उनमें फासला बराबर नहीं होता तो आ, यहां पे हमने जो है वो आ, कोरिलेशन कॉफिशेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है और ये है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू समेशन सम वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अंडर द रूट यहां से हमें कोफ़िशेंट पता चलता है जिसकी मदद से हम जानते हैं कि क्या इनमें रिलेशनशिप जो है वो मौजूद नहीं है इसका एक और तरीक़ा भी है कोफिशेंट मालूम करने का मगर यहाँ पे हमने इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है और इसको हमने फार्मूला के लिए फिर एक्स माइनस एक्स बार लिया है और वाई माइनस वाई बार लिया है और उनको फिर आपस में एक्स माइनस एक्स बार को फिर वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई किया है एक्स इज़ बेसिकली एक हम मिसाल लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉल्स मेड टू कस्टमर्स एक्स हमारी नंबर ऑफ कॉल्स है जो कि कस्टमर um, को मेक की गई फ्रॉम द कॉल सेंटर और उसने कितनी परचेजेस की वो वाई के अंदर लिखा है तो योर नंबर ऑफ परचेजेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स टू ए कस्टमर तो एक कस्टमर को छः कॉल्स की गई उसने तीन आइटम्स लिए एक कस्टमर को नौ कॉल्स की गई उसने दस आइटम्स लिए एक, एक कस्टमर को चार कॉल्स की गई उसने सात आइटम्स खरीदे दो कॉल्स की गई चार लिए और चार कॉल्स की गई छः लिए तो क्या नंबर ऑफ कॉल्स में और परचेज ऑफ आइटम्स में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है तो यहाँ पे जो है हमने इसकी समेशन ली और इसको जो है वो एक्स बार कैलकुलेट किया एक्स बार जो है हमारा फाइव आ गया हमने सिक्स नाइन फोर टू और फोर को जमा कर दिया पच्चीस हमारे पास आया इसका हमने जो है वो एवरेज निकाल दिया डिवाइडेड बाय फाइव किया ट्वेंटी फाइव को तो फाइव आ गया इसी तरीके से समेशन वाई हमारे पास थर्टी आ गई और इसका वाई बार हमारे पास छ आ गया अब जो है आ, हमने एक्स माइनस एक्स बार किया यानी सिक्स माइनस फाइव तो हमारे पास थ्री आ गया नाइन माइनस फाइव किया तो फोर आ गया और इस तरीके से x- माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया और यूं ही हमने y- माइनस वाई बार यानी थ्री माइनस सिक्स तो माइनस थ्री आ गया टेन माइनस सिक्स तो फोर आ गया और हमने जो है वो x- माइनस एक्स बार और y- माइनस वाई बार कैलकुलेट किया अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन तो हमारे पास इसकी समेशन एटीन आ गई आगे चलते हैं ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाला डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया एटीन और फिर हमने जो है वो अब नीचे के लिए भी कैलकुलेट करना था एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर तो आ, और उसको जो है हम लोगों ने उसका अंडर रूट लेना था यहाँ पे निचले वाले फार्मूला न्यूमरेटर नु, नु, के जो फार्मूला था उसके अंदर जो है वो 840 हमारे पास जवाब आया 28 एट इंटू हमने जो फार्मूला पुटअप किया था उसके तहत हमने जो है वो आ, ये मालूम करना था न्यूमरेटर के अंदर और ये हमारे पास 28 आया x माइनस एक्स होल स्क्वेयर y माइनस वाई बार होल स्क्वेयर की वैल्यूज़ हमने इनको मल्टीप्लाई किया जब आप हमारे पास 840 आया उसका अंडर रूट लिया और हमारे पास को रिलेशन बिटवीन x एंड y हमारे पास आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 840 अंडर रूट यानी 18 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू पॉइंट यानी टू के देर इज ए कोरिलेशन देयर देर इज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स बिटवीन दी नंबर ऑफ कॉल्स मेड टू कस्टमर्स एंड देयर परचेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो ये हमारे पास इसके लिए जाहिर है कि एक्स की वैल्यूज़ भी आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए और वाई की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग कोरिलेशन नहीं है मगर फिर भी जो है वो एक कोरिलेशन हमारे पास है ये को, uh, कोरिलेशन कॉफिशेंट का दूसरा फॉर्मूला है और इसके अंदर भी आप वैल्यूज पुटअप करके वही चीज वही पॉइंट सिक्स टू आप मालूम कर सकते हो तो ये कोरिलेशन मालूम करने के तरीकाकार थे देन कोरिलेशंस बिटवीन इंप्लाइज इयर्स इन सर्विस एंड इयर्स विद कंपनी सीनियर मैनेजर्स एंड मिडिल मैनेजर्स बैंक दो चीज़ों के दरमियान ये टेबल आपके पास इस तरीके से शो होगा जब आप एस पी एस एस में कोरिलेशन लगाओगे आप, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आ, ना ही आपको आपको जब आप एस पी एस एस पे डाटा पुटअप करते हो आ, मगर आपको ये फार्मूलाज पता होने चाहिए कि एट दी बैक एंड क्या चीज़ चल रही है तो इस तरीके का टेबल आपके पास हो जाएगा मौजूद होगा यहाँ पे कोडिलेशन लगी हुई है बिटवीन ईयर्स इन सर्विस एंड ईयर्स विद कंपनी इन सर्विस हमने जो है वो सीनियर uh, मैनेजर्स के भी मालूम किया कि कितने सालों से वो कंपनी के अंदर है और कितनी और, और कितना वो टाइम पास या इयर्स स्पेंड कर चुके हैं मुकम्मल अपनी नौकरी पे तो सीनियर मैनेजर्स की कोई को रिलेशन नहीं निकली है क्योंकि हमें जो है वो पियर्सन को रिलेशन की वैल्यू पहले केस में जो है वो पॉइंट जीरो फाइव फोर है और सिग्निफिकेंस भी जो है वो भी हमारी पॉइंट जीरो फाइव से uh, बहुत ज़्यादा uh, जो है वो हाई है यानी कि uh, तकरीबन पॉइंट सेवन टू फाइव है तो इसका मतलब है दर देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स इन सर्विस ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड देयर ईयर्स विद कंपनी मगर मिडल मैनेजर्स की हमें को की वैल्यू मालूम हो रही है पॉइंट फाइव फोर और डबल स्टेरिक है डबल स्टेरिक का क्या मतलब है नीचे लिखा है कोरिलेशन रिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट पॉइंट जीरो वन लेवल टू टेल तो इसके अंदर जो है हमें पता चल रहा है कि मिडल मैनेजर्स का फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने चालीस अगर उन्होंने जो है वो दस साल गुजारे हैं कुल नौकरी करते तो नौ साल हो सकता है उन्होंने बैंक अलफला के को दिए हों इसी तरीके से अगर उन्होंने पंद्रह साल मिडल मैनेजर्स ने गुजारे हैं बैंक के अंदर तो जो है वो पंद्रह ही साल सालों से हो सकता है कि मिडल मैनेजर उधर काम कर रहा हो यानी कि दोनों दोनों वैल्यूज या दोनों वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक है मगर सीनियर मैनेजर्स के साथ जो है हमें ये बात नहीं सामने आ रही और जो है वो हो सकता है कि कोई तीस सालों से साल, सा, सा, सीनियर मैनेजर जो है वो वहां पे काम कर रहा हो मगर वो शायद जो है वो उसने सिर्फ दो तीन साल पहले ही बैंक बैंकफला ज्वाइन किया हो तो uh, हो सकता है कि कोई चार साल से सीनियर uh, मैनेजर जो है वो बैंक अलफला के साथ हो और उसकी नौकरी को दस uh, साल हुए हो तो देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इन केस ऑफ सीनियर मैनेजर्स हमें ये पता चला एंड देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इन केस ऑफ मिडल मैनेजर्स तो इस तरीके से आपको शो अप होंगे रिजल्ट ऑफ योर को रिलेशन पहले वाले uh, पहले वाली एग्जाम्पल में यानी नंबर ऑफ कॉल्स मेड टू कस्टमर्स और और सेल्स उसके अंदर भी पॉइंट सिक्स टू यहां पे जिस तरीके से पी एस को रिलेशन लिखा है यहाँ पे जो है पॉइंट सिक्स टू अगर जो है वो उसके अंदर सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस जो एस पी एस एस है या सॉफ्टवेयर है ये खुद से कैलकुलेट कर देता है और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम लोग हाइपोथेसिस भी अपना ये प्रूव कर सकते हैं दैट नंबर ऑफ य वर्किंग कंपनी इज को रिलेटेड विद द ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर द मिडल मैनेजर्स तो ये हमारा जो है पोथिस जो है वो प्रूव हो सकता है पहले केस में अगर सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो निकल आए हाई निकल आए तो हम ये कह सकते हैं दैट देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कॉल्स मेड टू दी कस्टमर एंड दी परचेज आइटम्स बाई ए कस्टमर तो ये चीज हम लोग दो तो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मालूम करते हैं इसमें जो है आप जाहिर है कि टेस्ट लगाने के लिए आपके पास दोनों वेरिएबल्स की रकूम होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपने इसको एस पी एस एस पे इसका रिकॉर्ड डालना है और फिर आपने इसकी आ, जो है वो को रिलेशन वैल्यू मालूम करनी है फाइव एंड क्रैमर्स वी इज फॉर डाइकोटमस वेरिएबल क्रेमर्स वी इज फॉर नॉमिनल वेरिएबल बट ओनली इन पॉजिटिव इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप सो जो है वो फॉर डाइकोटमस वेरिएबल्स क्रैमस ये जो फाई और क्रैमर वी है ये हम लगा सकते हैं क्रैमर्स वी इज़ फॉर नॉमिनल वेरिएबल बट ओनली इन पॉजिटिव क्रैमर वी की जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी इंडिकेट स्ट्रेंथ्स ऑफ रिलेशनशिप तो ये जो है वो Uh, हम लोग टेस्ट एस पी एस एस को इस्तेमाल करके अगर हमने ये वेरिएबल्स अपने डाइकोटमस डाइकोटमस स्केल के साथ हासिल किए हैं तो ये वाले टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं मगर क्रैमर्स वी जो है uh, सिर्फ हमें पॉजिटिव इंडिकेट करता है वैल्यूज़ को हमें नेगेटिव भी शो कर देती है मगर क्रैमर्स वी जो है वो सिर्फ uh, नॉमिनल स्केल की हो, के लिए होता है और पॉजिटिव जो हमारी आ, अगर एसोसिएशन है तो वो जाहिर करता है और यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव को इंडिकेट नहीं करता है तो ये टेस्ट भी आप लोग जो है वो एस पी एस एस के ऊपर लगा सकते हो दिस स्लाइड इज स्पेसिफिकली फॉर एस पी एस एस के एस पी एस एस के अंदर जो है किस तरीके से डाटा uh, की एनालिसिस के बाद जो है वो टेबल्स बनते हैं और इस केस में हमने कोरिलेशन का टेबल यहाँ पे uh, देखा है आप इसी तरीके से फाइव और ग्रामर भी, भी लगा सकते हो तो uh, आज के लेक्चर में हमने जो है वो मैथड्स ऑफ बाई वेरिएट एनालिसिस शुरू किए कॉन्टेंजेंसी टेबल्स बनाने सीखे काय स्क्वेयर के टेस्ट लगाए और पी एस एंस को रिलेशन लगाई इस लेक्चर के लिए इतना ही uh, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थैंक यू वेरी मच